हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिवानी गुजरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइज़ कैसे हो आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे ब्लॉग देखा करो। और गाइज आ जाए गोवर्धन, तो आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। और गोवर्धन तो शायद सब्जी के ही एक है, पर दिवाली दो ही। अब के बाद ना हर बार का ड्रामा यही हो रही है। अब तो 2 साल से ये ड्रामे चल रहे हैं। तो हमने तो 31 अक्टूबर को मनाई थी और आज हमारे गोवर्धन है। तो आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत से ने 1 नवंबर की भी दिवाली बनाई। तो गाइज ऐसा ना सारन से बुला रहा हूँ। तो गाइज हम तो इतने बड़े हो गए, हमने तो हमेशा यही देखा है कि आज जैसे आज दिवाली, कल गोवर्धन, परसों भैया ध्वज। 2 साल से क्या हो रहा, आज दिवाली, एक दिन गैप, फिर गोवर्धन और कल भैया ध्वज है। तो गाइज आज है गोवर्धन और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से। हमारा गोवर्धन बन चुका है, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर, मम्मी ने बनाया था, ठीक है। और सबके यहाँ अलग अलग गोवर्धन बने हैं, किसी के यहाँ अलग, मतलब सबके यहाँ अलग ही अलग सबके। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जगह 109 मतलब सेम। आजकल सब अलग अलग ही बना है, पर हमारी मम्मी ने तो अच्छा बनाया। दिखाती हूँ आपको बाहर, मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। बाकी कोई किशन जी की तरह भी बना देते हैं, कोई ऐसे भी बना दे हैं, बिल्कुल गोबर है ऐसे खट्टा सा करके थपेड़ सा दे हैं, वो भी गोबरधन बन जाए। सबके अलग अलग तरीके से बना है। और तो मैं आप दिखाऊँगी हमारा कैसा बना है, हमारे मम्मी ने बनाया। और आज हमारे बन रही है खाने में कचौड़ी और कूड़ा तो यहाँ बने बने बिल्कुल प्रॉपर है, हमारे गोम में बने हैं कूड़ा। और बाकी जिसको जो खाने को मन करो बना लो, और कूड़ा तो बनने ही बनने हैं। तो ये सब बन रहे हैं हमारे, दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। गोवर्धन भी दिखाऊंगी कि हमारा कैसा है, बताना कमेंट करके। और हमारे वहाँ मतलब वो वाला बनाते हैं जो आजकल ज़्यादातर सब बना रहे हैं, कि कृष्ण जी बना रहे हैं जैसे भी। हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसा बने हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही बने हैं, हमारे गांव में भी ऐसे ही बने हैं। वो हमारी मम्मी बनाए गई, हमारी सासू माँ बना रहे हैं और बने सेम ही दोनों जगह। सबकी अपनी अपनी मन की इच्छा होती है। तो गाइज हमारा गोवर्धन पूज चुका है और हमारे घर की पूजा भी हो गई है, घर की पूजा भी होगी, गोवर्धन भी पूज गया। और यहाँ हमारा एडजस्टमेंट चल रहा है, बहुत तेज आवाज कर रहा है। गाइज खाने की बारी आते हैं फिर। तो गाइज हमारा गोवर्धन ही पूज चुका है, घर की पूजा भी होगी, हमारा खाना भी बन गया। तो बारी आते हैं खाना खाने की और मैं आपको दिखाती हूँ खाने में आज क्या बना है हमारे घर में। देखो कूड़ा बने, कचौड़ी बनी है और सिंपल दही है। तो वैसे मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बड़े बड़े जाएगी तुम भी। क्या बात कर दी तुमने, क्या जलाना है, क्या जलाना है, पापा जलाने दे वो। बोल दो पापा से, आप चला दो। ओए हाथ में फूक जाता ना, ओए उठा के फेंक दी जली हुई खुदा सा। हां गली तो जला लो, जीवी तो जलाने के लिए कर दे। अब पापा के ये जलता है, ये जलता है, पापा भी इसको जलाएंगे। मैं तेरे लिए कर रहा हूं, मैं ना जला हूं, वो तो बट जला लो, जला ना बताऊं। पापा जी मेरे लिए जला लो। हां ये सारंश के लिए है। किसके लिए? ये सारा अंश के लिए है। ओ उधर तो बाबर बम लगा रखा। पापा का फिरकी लगवा के जड़वा के छोड़ा वो। आपके कूदना आया पे? सारा कूदना है इस पे। सारस की फट रही है, कितने पीछे कर रहे हो। कूदना अच्छा रहे, हम तो खूब कूदा करें बचपन में।
खड़ो कैसे पूजी सबको पटाखों के ना पता ना किसी चीज की एक बार ना भक्तों के हाथ में साफ कर रहे हो ना तो भक्तों के हाथ में छूट गई भक्तों की उंगली फूक गई तुम्हारी बात सच होगी तो सच में बोल गई पप्पू दिनों से अब क्या जलाओगे ना सांस आप भी जलाओ ओहो इतना समझदार अच्छा मैं भी बहुत समझदार हूँ ऐसा हाथ लगा लो हवा चल रही ना एकदम आज भी सोचा कभी बोल जाओ मैं आपके कपड़े में लग जाएगी कपड़े में लग जाएगी आपके लो अभी से पकड़ लो लो पकड़ो डर लग रहा है पता नहीं कैमरा वाला भी ना आया बढ़िया लगा एकदम बढ़िया लगा बढ़िया तो गाइस देखो हमारे छत पे आए हैं कोई भी ना छत पे छत का व्यू ये तो मेरा छोरा परेशान है बहुत ज्यादा एक घंटा ऐसा फोड़ रहा है पेट में भर रहा हूँ अक्कल यार बहुत सारे फोड़ रहे देखो मैं टॉर्च लेके घूम रही हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में ना कल नहीं फोड़ने सिर्फ आज ही फोड़ने सारे आने में सारा कल फोड़े क्या आती सारे मैं कल फोड़ूंगा अच्छा कल ही फोड़ोगे क्या कह रहे हो कल फोड़ेंगे हम क्या कह रहे हो सारे पापा कल दूंगा ठीक है अभी कल फोड़ेगा आज के फोड़ गया के सो गाइज आज हम पटाखे छोड़ रहे हैं जिस दिन कोई ना छोड़ रहा उस दिन हम छोड़ रहे हैं दिवाली से अगले दिन कि गोवर्धन कल का है तो हम आज छोड़ रहे हैं हमने कल ना छोड़े तो हम अपने मन की बड़ा साथ निकाल रहे हैं सारांश तो कल भी खूब छोड़े तो हम दिवाली से अगले दिन छोड़ रहे हैं गोवर्धन वाले दिन कल भी छोड़ेंगे दिवाली वाले दिन कल हमने ना के बराबर ही छोड़े सारा से ज्यादा छोड़े अब चलो भाई अब हो गया काम अब हमने खूब एक डेढ़ घंटा छोड़ छाड़ के हम जा रहे हैं आराम से निकल तो बहुत शोर शराबा है छतरी पे आज तो बहुत दिक्कत है जैसे कि कोई हम जैसा भी है कि कल ना छोड़ गया छोड़ रहे हैं बहुत से इनका दिवाली भी है तो सब तरह के हैं हमारे तो कल दिवाली है पर हम आज छोड़ रहे हैं बहुत से इनका आज भी दिवाली है कल बहुत अच्छा मन लगता छत पर हम कल आए ना छत पर चलो जल्दी सो जा तुझे लग जाओ ओ भाई तुम पीछे बैठा है
अंकल जी आ गए गई बाहर से लेके गई हूँ धुआ धाड़ मचा दी धुआ धाड़ मचा दी तेरे पंप गिर गया मैं तो वो गई वीडियो बनवाना वो भप्पी बोल गो ओ चल हाथ में मैं गिरने पंप भी अभी फायर हुई थी अंधेरा हो रहा है छत पे बढ़िया लगो नहीं तो क्या बोल रहे हो चल जाएगा अंकल देखो कितने दूर जा रहे थे अंकल डर गए अंकल अब ना कुछ वहाँ होगा अभी चलाओ किस कैसे आटा कैसे और जल गया होता है दो रखे गए और इन पे चले जाएगा दो रखे छोटे वाले क्यों लगा रहे हो बड़ा अच्छा चट्टी छोड़ दे कितना अच्छा लग रहा है छोटी कर दो गे क्या कर रहा है पैसा नुकसान होता है वो पैसा गरीब को दे दो हाय गाइस सो गाइस हम आ चुके हैं नीचे पटाखे वटाखे छोड़ के और पटाखे छोड़ के आ चुके हैं ऊपर हमने खूब सारे एंजॉय किया खूब सारे पटाखे छोड़े खूब मन लगा है ना सारांश सारांश है सारांश है मन लगाना ऊपर है ना कैसे पटाखे छोड़े गए इसको बताना गाइस खूब छोड़े यार तो खूब छोड़े जिद भर भर के और हम सब ने भी खूब इंजॉय करा खूब बढ़िया से हमारा गोवर्धन सेलिब्रेट होगा ठीक है गाइस तो यही मेरा आज का ब्लॉग है गोवर्धन का और मैंने आपको अपना गोवर्धन भी दिखा दिया था तो चलो गाइस मिलेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग में कल का ब्लॉग बनाती है कल हमारी दीदी विदी आएंगी तो वो बनाऊंगी भैया दस वाला ब्लॉग ठीक है बाय बाय गाइस कल मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ तो मेरे चैनल को लाइक करो सपोर्ट करो सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गुड नाइट हैप्पी गोवर्धन।